जुलाई से भारतीय न्याय संहिता, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता एवं भारतीय साक्ष्य अधिनियम 2023 लागू हो गया। नए कानून को समझाने के लिए पुलिस थानों के साथ पुलिस कंट्रोल रूम पर सोमवार को नगरीय प्रशासन मंत्री कैलाश विजयवर्गीय की उपस्थिति में परिचर्चा हुई। पुलिस कमिश्नर राकेश गुप्ता ने प्रेजेंटेशन के माध्यम से नए कानून के बारे में विस्तार से जानकारी दी। नगरीय प्रशासन मंत्री कैलाश विजयवर्गीय ने कहा कि पहले भारतीय दंड संहिता थी, अब न्याय संहिता हो गई। अब दंड देने के प्रावधान नहीं, न्याय मिलने का प्रावधान है और आधुनिक तकनीक का अधिकतम प्रयोग भारत के साथ दुनिया के अंदर बढ़ाया जाए। भारत में तकनीकी क्षेत्र में कितनी बढ़ोतरी की है, हमारा छोटा सा आरक्षक भी तकनीकी रूप से कितना सक्षम है, तो वहीं जेल में बैठा प्रहरी भी कितना सक्षम है, वहीं न्यायाधीश तो है ही सक्षम। इस कानून में तकनीक का अधिकतम उपयोग किया गया है, इसमें साक्ष्य मिटाने की संभावना बहुत कम है। साधारणतः कई बार लोग बयान देते हैं और फिर बदल जाते हैं। अब बयान देने वाला और उनका वीडियो बन जाएगा तो वह बयान बदलने में चार बार सोचेगा और यह भी काफी महत्वपूर्ण बात है। वहीं कैलाश विजयवर्गीय ने कहा कि देश के प्रधानमंत्री और गृह मंत्री ने स्वतंत्रता के बाद गुलामी के जितने भी निशान हैं वह मिटने चाहिए, इस बात का जिक्र किया था। यह कानून भी गुलामी के निशान मिटाने का बहुत बड़ा प्रमाण है। इस कानून से जुड़ी हुई जितने भी कड़ियां हैं उनको थोड़ी मेहनत जरूर करनी पड़ेगी। तो वहीं मॉब लिंचिंग के लिए काफी अच्छा प्रावधान है, बेटियों के साथ यदि गलत होता है तो इसमें काफी कड़क कानून बनाए गए हैं। इंदौर से राजीव टाइम्स की रिपोर्ट। बात तो ये कि भारतीयों के द्वारा भारतीय संसद में बना हुआ कानून है, पहले जितने भी कानून के प्रावधान हैं वो कहीं ना कहीं हमने अंग्रेजों से डुप्लीकेट किए हैं। इसीलिए अब पहले भारतीय दंड संहिता थी, अब वो न्याय संहिता हो गई। अब दंड देने का प्रावधान नहीं, न्याय मिलना चाहिए, ये एक प्रावधान। दूसरी बात है कि आधुनिक तकनीकी का अधिकतम उपयोग, ये भारत की साख दुनिया के अंदर बढ़ाएगा कि भारत ने तकनीकी क्षेत्र में कितनी प्रगति की है। हमारा छोटा सा कांस्टेबल भी तकनीकी रूप से सक्षम है, हमारे की जेल में बैठने वाला जेल का प्रहरी भी तकनीकी रूप से सक्षम है, हमारे एडवोकेट्स तकनीकी रूप से सक्षम है और न्यायाधीश तो है ही। तो ये तकनीकी का जो अधिकतम उपयोग किया है, इसमें साक्ष्य मिटने की संभावनाएं बहुत कम है। साधारणतया कई बार बयान दे देते हैं लोग और बदल जाते हैं। अब बयान देने वाला जब उसका वीडियो बन जाएगा उसके बाद बयान बदलने के लिए वो चार बार सोचेगा, तो ये भी एक बहुत महत्वपूर्ण बात है। तीसरी बात है, इसमें रिस्पॉन्सिबिलिटी है। हमारे यहाँ पहले कहते थे कि यदि न्याय देर से मिलता है तो न्याय का हनन है, जस्टिस डिले इज जस्टिस डिनाई। तो अब इसमें न्याय लोगों को समय पर मिलेगा, ये बहुत बड़ा प्रावधान है क्योंकि इसमें सबकी जवाबदारी सुनिश्चित की गई है कि पुलिस को कितने दिन में चालान पेश करना, कितने दिन में उसका विवेचना होना, कितने दिन में उसकी गवाह होना और कितने दिन में उसको परिणाम मिलना। तो ये बहुत अच्छा प्रावधान है। तो हमारे यहाँ तो ऐसा कहा जाता है कि एक बार कोर्ट में गया तो तारीख बढ़ाते रहो। अब तारीख बढ़ाने का काम नहीं होगा, अब आपको समय सीमा के अंदर परिणाम मिलना चाहिए। चौथी बात जो सबसे बड़ी बात है, जो हमारे देश के प्रधानमंत्री और गृह मंत्री जी ने भी उस दिन पार्लियामेंट में कहा कि हमारे देश की स्वतंत्रता के बाद जितने भी गुलामी के निशान हैं उसको मिटना चाहिए। तो यह कानून भी गुलामी के निशान मिटने का एक बहुत अच्छा प्रमाण है और इस कानून के अंतर्गत ये बात सही है कि इस कानून से जुड़ी हुई जितनी भी कड़ियां हैं उनको थोड़ी सी मेहनत करना पड़ेगी, तकनीकी रूप से समझना पड़ेगा और न्याय व्यक्ति को मिले इसके लिए जवाबदारीपूर्ण काम करना पड़ेगा। महिलाओं और बच्चों के लिए बहुत अच्छा प्रावधान किया गया है। बच्चों के साथ किसी प्रकार की अमानवीयता के लिए मृत्यु दंड तक के प्रावधान है। महिलाओं को जिस प्रकार एक आत्मनिर्भर सशक्तिकरण बनाने के लिए इस कानून में बहुत बड़े प्रावधान किए गए हैं। मॉब लिंचिंग के लिए बड़े अच्छे प्रावधान हैं, लोगों को सीधी मृत्युदंड तक की सजा है। और बेटियां जो होती 12 साल की, यदि उनके साथ सामूहिक बलात्कार होता तो उसमें मृत्युदंड का प्रावधान है। तो महिला के लिए कानून बड़ा कड़ा किया गया है जिससे महिलाओं के ऊपर कम से कम अत्याचार।